कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी का ओबीसी जातिगत जनगणना का बयान एक और झूठ से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश में जब मंडल आयोग की बात संसद के अंदर आई थी तो लोकसभा में पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड विरोध उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 50 के दशक में आई और 80 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो उसको लागू न करने का काम कांग्रेस ने किया था। देश इस बात को भी जानता है कि जिस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद थे और देश में उनके प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, तब ओबीसी समाज के द्वारा जो संवैधानिक आयोग की बात कही थी उसको भी नहीं बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और इसलिए हम सबको पता है कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब, गारंटी झूठी और सपने हकीकत से दूर है। पूरा देश इस बात को जानता है कि जनगणना कराने का कार्य यह केंद्र सरकार का है। हकीकत उनको भी पता है कि उनकी राज्य सरकारों का इसमें कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक, लेकिन झूठ और भ्रम की राजनीति से वो बाज नहीं आ रहे। मैं राहुल गांधी को ये कहना चाहूंगा कि अगर उनको इतना ओबीसी प्रेम है तो वो ये बताएं कि 1950 से लेके 1992 तक इस देश के नौजवान जो आईएएस बना करते थे उनको ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। इस देश के विश्वविद्यालयों में जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे जाया करते थे उनको नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं मिला। हमारे देश के जो ओबीसी समाज के वर्ग के लोग मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी जगहों में जाया करते थे उनको आगे बढ़ने का अवसर कांग्रेस के राज में क्यों नहीं मिला। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा विशेष रूप से श्री राहुल गांधी से कि जो उनकी आदत ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेताओं को जाति के नाम पर गाली देने की है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालयों की नौकरी से लेकर विश्वकर्मा योजना तक ओबीसी समाज के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर के पिछले 9 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल हुई है, समाज के सभी वर्ग आगे बढ़ने का जो आज काम कर रहे हैं उसको देख करके कांग्रेस तिलमिला गई। यही कांग्रेस जो कहा करती थी कि हमारा 100 रुपया में से 85 रुपया बीच में दलालों के पास रह जाता है, आज उनको इस बात की घबराहट होने लगी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में जनधन आधार और मोबाइल से 100 का 100 रुपया गरीबों तक पहुंचता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के जिस सिद्धांत पर विश्वास रखती है वो समाज के सभी वर्गों को आगे लेकर के चलने वाला है। ओबीसी समाज ये जानता है कि इस देश के प्रधानमंत्री सबके हैं, सबका न्याय करते हैं, एक हम्बल बैकग्राउंड से, और आज पूरे विश्व में भारत की बुलंदियों को अगर ऊंचा उठा रहे हैं तो उसमें भी देश के सब समाजों के साथ ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा गर्व है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी, झूठ की राजनीति बंद करिए, झूठे सपने बंद करिए, देश की हकीकत को पहचानिए। ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को जो न्याय दिला रही है उसको आगे और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही विश्व सच्चाई को अगर वो समझेंगे तो देश की हकीकत को समझेंगे। 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उन 5 राज्यों के चुनाव में आज जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इस समर्थन के आगे उनकी झूठ की दुकान और झूठ के पकवान कड़वे साबित होंगे, इस बात को समझ कर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।